साथियों, आज मैंने अपने आर्टिस्ट से, अपने ग्राफिक डिजाइनर से कहा कि मुझे एक विजन बोर्ड बना दो। विजन बोर्ड का अर्थ, जो चीजें हम भविष्य में पाना चाहते हैं उनको आज देखें। उसने मुझसे पूछा, क्या बनाना है सर विजन बोर्ड में? तो मैंने कहा, मेरे सारे टीम मेंबर्स को दिखाओ, सारे एम्प्लॉयज को दिखाओ, और सबको हम एक एक कार और एक एक फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखाओ। वो अचरज में पड़ गया, शायद उसको विश्वास नहीं हुआ। तो विश्वास तो जब पहली बार मैंने सोचा तो मुझे भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसा है जिसने हम जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के दिल में ये आग लगा दी, ये भावना जगा दी कि अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन के जन्मदाता श्री सावजी भाई ढोलकिया सूरत की। 490 से ज्यादा एम्प्लॉयज को कार, 207 एम्प्लॉयज को फ्लैट और लगभग 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ज्वेलरी देने वाले इस शख्स का मानना है, मैं अपने एम्प्लॉयज की केयर करता हूं, वो मेरे प्रॉफिट्स की केयर करते हैं। यहां एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने प्रॉफिट के पहले अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं? यदि आप रखते हैं तो याद रखिए, आपके एम्प्लॉयज आपको उस शिखर पर ले जा सकते हैं जिस शिखर की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और क्या कहते हैं सावजी भाई? सावजी भाई कहते हैं, मैं एक सीड लगाता हूं, वो एक सीड मुझे सैकड़ों सीड देता है। मैं एक पुण्य कर्म करता हूं, उस एक पुण्य की बदौलत ऊपर वाला मेरी झोली को बहुत सारे गिफ्ट से भर देता है। यदि यही सोच हम सब लेके चले तो हमारा भी व्यवसाय इसी तरीके से सैकड़ों हजारों गुना बढ़ सकता है। ये व्यक्ति एक मिसाल है विनम्रता की, क्योंकि आज भी इनके यहां एम्प्लॉय कंप्लेंट बॉक्स, ग्रीवांस बॉक्स लगा है और ये खुद हर दिन देखते हैं मेरे एम्प्लॉयज को मुझसे क्या शिकायत है। जो लोग आपके लिए अपना रात दिन एक करते हैं, आप यदि उनके लिए कुछ क्षण भी निकाल लें तो यकीन मानिए वो आपके लिए इतना करेंगे कि आप अपनी झोली में उसको समा नहीं पाए। क्लास फिफ्थ में पढ़ाई जिसने छोड़ दी, एक गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने जाकर सूरत में अपने एक रिश्तेदार के साथ डायमंड व्यवसाय में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भाई भी आकर उसी काम में जुड़ गए। आज इस व्यक्ति का टर्नओवर, इनकी कंपनी का टर्नओवर 7000 crores है, 7000 crores, और पूरी दुनिया में इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। और ये कहते हैं, हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें हमारे एम्प्लॉयज का ही हाथ है, उन्हीं की बदौलत हमें हासिल कर पाए। आज इनकी कंपनी में काम करने के लिए हर दिन 50 से ज्यादा रिज्यूम आते हैं, इनको बाहर निकलकर कभी एम्प्लॉय तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या ये रईस व्यक्ति अपने बच्चों को भी इतनी रईसी से ट्रीट करता है? क्या आज के माँ बाप अपने बच्चों को जन्म लेते ही जितनी लग्जरीज दे देते हैं, क्या सावजी भाई ढोलकिया ने भी वही किया? नहीं। आज यहां मैं एक एक पेरेंट से कहना चाहता हूं, ये केस स्टडी सीखने लायक केस स्टडी है। सावजी भाई ढोलकिया ने अपने बच्चे द्रव्य को सिर्फ 7000 रुपीज दिए और 7000 रुपीज देकर उसे बाहर रवाना कर दिया कि तुमको कुछ महीने बाहर रहकर आना है और उस पीरियड में तुम अपने पिता का नाम यूज नहीं कर सकते, तुम किसी को अपने प्रभाव के बारे में बता नहीं सकते, तुम कहीं पर कोई भी वीआईपी स्टेटस हासिल नहीं कर सकते, और मजे की बात, ये 7000 रुपए भी तुम सिर्फ इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। उनके बेटे ने उनकी सलाह मानी और वो कोची पहुंचा। कोची इसलिए गया क्योंकि उसे मलयालम नहीं आती थी और उसे और टफ जगह पे रहना था। लगभग 50 जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन दिया और 50 जगह वो रिजेक्ट हो गया। पूरे महीने पूरी ताकत लगा के छोटे बड़े सारे काम करके भी उनके पुत्र द्रव्य ने 4000 रुपए भी नहीं बचाए और उसको महीने की नॉर्मल लाइफ स्टाइल, सबसे गरीबी वाली औसत लाइफ स्टाइल निकालने में भी दिक्कत आने लगी। एक समय स्थिति ऐसी आ गई कि उसको मैकडोनल्ड में काम करना पड़ा, उसको कॉफी शॉप में काम करना पड़ा, उसको कॉल सेंटर में काम करना पड़ा, और एक दिन इतनी बुरी स्थिति थी कि 40 रुपए का खाना वो जुगाड़ नहीं पा रहा था। 40 रुपीज की मील, जिस जगह वो रुकता था वहां पे 250 रुपीज की एक्स्ट्रा लॉजिंग उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। सावजी भाई का कहना था,
मैं उसको दिखाना चाहता था जीवन की सच्चाई क्या होती है, कठिनाई क्या होती है, स्ट्रगल से हम कैसे सीखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके सामने इतनी विपरीत परिस्थिति है? क्या आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है? क्या आपको 4,000 रुपये में महीना निकालना है? यदि आपके पास इतनी विपरीत परिस्थिति नहीं है तो क्या चीज आपको रोक रही है? मैं आपसे एक पिता और एक माता के रूप में भी पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को कंप्लीट लग्जरी दे रहे हैं? यदि आप कंप्लीट लग्जरी ये सोच के दे रहे हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी संतान करे, तो आप उनको अपाहिज बना रहे हैं, क्योंकि आप उनको जीवन के संघर्ष नहीं करने दे रहे हैं। और जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा, सावजी भाई ढोलकिया जैसी शख्सियतों का जन्म नहीं होगा। सावजी भाई ढोलकिया मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट सिखाते हैं? सावजी भाई ढोलकिया का मैनेजमेंट का पहला पार्ट, अपने एम्प्लॉयज को कभी एम्प्लॉय मत समझो, उनको फैमिली मेंबर समझो। सावजी भाई का दूसरा पार्ट, अपने एम्प्लॉयज को जहां तक हो सके अपने बिजनेस में स्टेक दो और उनको अपना स्टेक होल्डर मानो। सावजी भाई का तीसरा पार्ट, यदि आप अपने एम्प्लॉयज की फिक्र करोगे तो आपका एम्प्लॉय आपकी फिक्र करेगा। सावजी भाई का चौथा पार्ट, बड़ा व्यापारी यदि बनना है तो आपके अंदर आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता की कला होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर और ऊपर होते चले जाएं और आपकी टीम, आपके लोग वहीं रहें। सावजी भाई का अगला पार्ट, आपका जिम्मा है कि आपके एम्प्लॉय के पास जीवन जीने के साधन हो, उसके पास रहने के लिए छत हो, चलने के लिए गाड़ी हो, ताकि वो जीवन भर कभी अपनी ओर, अपने जीवन की ओर शर्म से न देखें, उनको हमेशा अपने काम पर गर्व हो, अपने कल्चर पर गर्व हो। और सावजी भाई का एक बहुत बड़ा पाठ, भारत ही नहीं दुनिया के हर व्यवसायी के लिए, पूरी कमाई अपने लिए मत करो, उनके लिए करो जो आपके लिए अपना जीवन दे रहे हैं, उनके लिए कमाई करो। और इसीलिए सावजी भाई ने 50 करोड़ रुपीस का लॉयल्टी फंड अलग से रखा है। और ये 50 करोड़ रुपए देते वक्त उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने एम्प्लॉय को दान दे रहा हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूं। उन्होंने हमेशा ये कहा, मैं अपने एम्प्लॉयज को उनका हिस्सा दे रहा हूं जो इस कंपनी में है। यदि भारत के एंटरप्रेन्योर सावजी भाई की राह पर चलने का सोच सकें तो इस देश में कोई एम्प्लॉय गरीब नहीं रहेगा। और हर बॉस, हर टॉप मैनेजमेंट को बड़ा भाई, पिता या भगवान की तरह पूजा जाएगा। ये जीवन आपका है, एक ऐसा रोल मॉडल तो बनाएं जिनकी राह पर चलकर आपको अपने जन्म लेने पर और अपने बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बनने पर गर्व। साथियों, यदि ये वीडियो आपको किसी माध्यम से मिला तो तुरंत उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you. मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।